बिजली और पानी के बड़े बिलों को लेकर शांति ठाकुर बहुत जल्द ही राज्य में मोर्चा खोलने जा रही हैं। ग्लेशियर लेडी के नाम से जाने जाने वाली और नमामि गंगे की सदस्य शांति ठाकुर ने एक पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिखा है, जिसमें हर साल बिजली और पानी के बढ़ते दामों में रोकथाम की बात कही। शांति ठाकुर ने कहा है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो आधे देश को पानी देता है, जबकि बांधों से उत्पादित बिजली देश को उजाला करती है, बावजूद इसके कि राज्य में ही रह रहे लोगों को अपने संसाधन का मूल्य चुकाना पड़ता है। शांति ठाकुर ने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस राज्य में हमारे राज्य से सब कुछ जा रहा हो और वहीं कुछ यूनिट तक फ्री सुविधा की हुई हो, तो फिर उत्तराखंड में तो कम से कम बिलों के यूनिट कम दामों पर ही होना चाहिए। दो दो तीन तीन हजार 15-15 हजार के बिल दिए जा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से जो है ना उत्तराखंड के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और राज्यों में लोग, हमने सुन लिया कि पानी बिजली जो है ना फ्री है, लेकिन हम फ्री की बात नहीं कर रहे, लेकिन उत्तराखंड के लिए एक जो है ना नियमित वो लागू किया जाए, एक जो है ना दर रहे यहाँ पे हर साल जो है ये लोग वो बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि अच्छा नहीं होगा। कोई भी सरकार